गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम करेंगे केमिस्ट्री का अगला चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन का यूज करके हम क्या करेंगे, कार्बन के कंपाउंड्स बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन होता क्या है। कार्बन, व्हाट इज कार्बन? कार्बन को हम क्या करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। अगर हम इसकी मास नंबर की बात करें, मास नंबर, तो मास कितना होता है इसका, मास होता है इसका 12। तो कार्बन के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो वो कितना होता है, 2 and 4, क्लियर। यानी फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो हमने जैसे 9th क्लास में पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या था, जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, हम ये रेड कर लेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक एटम है, और ये सेंटर इसका क्या है, न्यूक्लियस है। सेंटर में क्या होता है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल होता है। और ये हमारे पास क्या होते हैं, शेल होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कह दिया, ये क्या है, हमारे पास के शेल है, दिस वन इज अ के शेल। एक अगर मैं इसके ऊपर इस तरह से सर्कल एक और लगा लेती हूँ, तो ये मेरे पास कौन सा शेल बन गया, एल शेल बन गया। एक और अगर मैंने इस तरीके से क्या किया, इसके ऊपर एक और राउंड लगाया, तो वो मेरे पास एम शेल बन गया, है ना। तो फर्स्ट शेल के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इसका भी एक रूल होता है कि हाउ इलेक्ट्रॉन फिल इन द शेल, हाउ इलेक्ट्रॉन फिल इन द शेल। तो इसका एक रूल होता है, कौन सा रूल, 2n2। एन हमारे पास क्या है, हियर एन इज द नंबर ऑफ शेल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट शेल है के, अगर के शेल है तो इसकी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे 2 into 1 का स्केयर, यानी कि के शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। सेकंड शेल की हम बात करें, एल शेल की, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, यानी कि 2 into 2 का स्केयर 8, यानी सेकंड शेल में कितने रख सकते हैं, 8। सेम उसी तरीके से एम, एन इज इक्वल टू 3 का स्केयर इज इक्वल टू 18, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, यही लास्ट वाले शेल में, यही एम शेल में हम कितने रख सकते हैं, 18। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या है, टेट्रावेलेंसी 4 है। इस वजह से हमने एक यहाँ पे वर्ड यूज किया, उस वर्ड का क्या नाम है, टेट्रावेलेंसी। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी मतलब इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, है ना। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ना तो ये क्या करेगा, हमने पढ़ा था पहले प्रीवियस क्लासेस में, हमने ये देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, कोई लूज कर देते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उसके ऊपर आयन बन जाता है। तो वो आयन कौन सा, अगर वो लूज कर रहा है तो पॉजिटिव आयन बनता है, अगर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो वहां पे क्या बनता है, नेगेटिव आयन। तो इस तरह के जो कंपाउंड, इनसे जो कंपाउंड बनेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन यहां पे देखो क्या होगा, क्योंकि यहां पे लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये लूज करता है, है ना, तो इसको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितना ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने में करेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो हम इसका डबलेट पूरा करवाते हैं या ऑक्टेट पूरा कराते हैं। अब डबलेट और ऑक्टेट हम क्यों पूरा करवाते हैं, ताकि हमारे पास जो एटम रहे वो क्या रहे, स्टेबल रहे। एटम क्या रहेगा हमारे पास, स्टेबल। अब हम उसको स्टेबल क्यों करें, ताकि उसका जो लाइफ पीरियड है, लाइफ पीरियड जो है उसका, वो भी क्या हो जाए, लॉन्ग हो जाए। इस वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी एटम के अंदर जो ऑक्टेट या डबलेट है उसको पूरा करते हैं। ऑक्टेट का मतलब है कि एल शेल में हम 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, डबलेट का मतलब है के शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, है ना। तो यहां पे ना तो ये लूज करेगा, ना तो इसने लूज करना है इलेक्ट्रॉन को, ना ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, है ना, ये कुछ भी नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। कार्बन क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। देखो कार्बन क्या करेगा, कार्बन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, इस वजह से यहां पे कैसा बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड का मतलब क्या है कि जुड़ना, है ना। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, देखो आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एक एटम से दूसरे एटम में वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तब कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, है ना, हाउ मेनी टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो कितने टाइप के होते हैं, देखो फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को एक इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को हम क्या करेंगे, डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को हम थ्री लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास था आज कि कार्बन क्या होता है, कार्बन हमारे पास क्या है, एक नॉन मेटल है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो फर्स्ट शेल में 2 और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसके लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से हमने इसको एक नाम दिया, उसको नाम क्या था, टेट्रावेलेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं, ये टेट्रावेलेंसी होता है। तो इसकी एक ये प्रॉपर्टी भी है कार्बन की, क्लियर। तो जो कार्बन कंपाउंड है वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को शेयर क्यों करेगा, क्योंकि ये लॉस भी नहीं करेगा, गेन भी नहीं करेगा। अगर ये लॉस कर रहा है और गेन कर रहा है तो उसको उतनी ही अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो इस वजह से ये लॉस भी नहीं करेगा और गेन भी नहीं करेगा, ये क्या करेगा, अपने ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहां पे कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ना जैसे हम यहाँ पे बात करें NaCl की, है ना, तो Na हमारे पास क्या होता है 11, इसका एटॉमिक नंबर, Cl का हमारे पास होता है 17, ठीक है, तो 2 8 1 और यहाँ पे 2 8 7, तो इसके लास्ट रिलेशन में देखो क्या वन इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे आ गया तो इसने तो क्या कर दिया, लॉस कर दिया, और इसने क्या कर दिया, गेन कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, Na पॉजिटिव, और क्लोरीन पे क्या आ गया, Na Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गए, आयंस बन गए इस वजह से। तो आप लोग क्या करोगे, इस चैप्टर को रिवाइज करोगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे कल। थैंक यू।